हेलो फ्रेंड्स, कमल सिंह चौहान केडीएम क्लासेस की तरफ से आपका फिर स्वागत कर रहा है। और आप जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो टॉपिक पढ़ने के लिए आपको मैंने आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है तो माइनर सब्जेक्ट पर बहुत टफ स्टूडेंट को लगता है। इसके तीन से चार क्वेश्चन का वेटेज है, फिर भी स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा डरता है। अपन इसका क्या करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर लिए हैं वैसे लेक्चर के हिसाब से स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टैटिक्स में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें साइंस भी है और इसके साथ साथ मैथ भी है। और मैथ जो है वो मैथ अरिथमेटिक मैथ भी है, ज्योग्राफी मैथ भी है, इसमें ज्योमेट्री भी है, अरिथमेटिक मैथ भी है और कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो आप क्या सोचेंगे कि इसीलिए कंफर्म नहीं हो रहा हमारे कि ये क्वेश्चन ऐसे टफ क्यों बैठता है। बैठने हम क्या करते हैं, फिर उसके कुछ एक पॉइंटों को याद कर लेते हैं, पांच दस जो भी लाइन है उनमें से क्वेश्चन बैठ गया तो सही बात है, अगर उसमें कोई इंसिडेंट हो जाता है तो क्वेश्चन मैच भी कर जाता है। या फिर स्टूडेंट को टीचर क्या कराते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्वेश्चन दे देते हैं उन्हें याद करने के लिए, तो वो रटते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो वो नेगेटिव में आ जाता है। फिर तो क्यों ना मैं आपके साथ उसी तरीके से स्टार्ट करूं। तो मैं स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं। स्टैटिक्स एक ऐसी साइंस जिसमें आप किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर पाते हो, उसे सिंपल बना पाते हो। मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से आपको स्टैटिक्स का रीजन समझ में आएगा कि स्टैटिक्स की जरूरत क्यों है। है ना, जो स्टैटिक्स है उसमें आपको एक सॉल्यूशन होता है। स्टैटिक्स का एक सॉल्यूशन तो ये निकल जाता है कि कितना ही कॉम्प्लेक्स डेटा हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, कितना ही सघन प्रोसेस हो, उसको आप सिंप्लीफाई कर पाते हैं, एक्सप्लेनेबल बना पाते हैं, उसे आप समझा सकते हो बाद में। सेकेंड कंडीशन कि आप उसको जब सिंप्लीफाई कर पाते हैं तो स्टैटिक्स से आप जब स्टैटिक्स को यूज में लेते हैं तो कोई भी फैक्ट हो उसे आप प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करने की कैपेसिटी आ जाती है, प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट कर पाते हैं स्टैटिक्स के कारण। थर्ड बात हम बोलेंगे, कोई जैसे कोई पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती है उस पॉलिसी को किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके लिए पॉलिसी अप्लाई के लिए भी इजी वे दिखाता है वो स्टैटिस्टिक्स। आपको स्टैटिक्स में अगली बात करूं तो वो होगा क्या, फोरकास्टिंग। जब आप स्टैटिक्स के डाटा देखते हैं तो आप फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। जैसे अभी जो कंडीशन चल रही है उसके भी आप ऊपर बोलने लगे आगे ये इस रूप में बढ़ेगा, इसमें घटेगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना कम हो जाएगा, इतना इक्वल रह जाएगा, ये क्या है, फोरकास्टिंग कर सकते हैं अपन। तो स्टैटिक्स क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म क्रिएट करने वाली एक ऑप्शन है जो आपको किसी भी फैक्ट को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है और फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करूं मैं क्या कि अगर स्टैटिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा आपसे। वो आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले आप पहले ये देखो कि स्टैटिक्स की बेसिक कहां से स्टार्ट होती है। स्टैटिक्स की बेसिक स्टार्ट होती है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं उसको समझना। सपोज करें हम किसी एक वर्क एक पैरामीटर पे काम करते हैं, कैसे, जनगणना पे काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब जनगणना करनी है तो आप या मैं जो भी इंस्पेक्टर होगा, जो भी जाके काउंटिंग करने वाला होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको कलेक्ट करेगा, किसको, डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्या, क्वांटिटेटिव फॉर्म कलेक्ट करेगा, गणितीय रूप कलेक्ट करेगा, इकट्ठे करेगा, कैसे, हर घर में जाएगा और हर घर में जाने के बाद में वो क्या करेंगे, उसमें से जो भी जिसकी काउंटिंग करनी है, जिस वे की काउंटिंग करनी है, वो क्या करते हैं, आपके डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे, वो डेटा को पहले से ही इस तरीके से समराइज ऑर्गेनाइज करके लाते हैं हमारे पास कि ऐसे पूछते हैं, बताओ आपके टोटल कैंडिडेट कितने हैं, बोले 5, सही है, तो या फिर बोला आपके परिवार में टोटल आपके गांव में कैंडिडेट कितने हैं, बोले 1000, तो 1000 में जो वो आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे उसे कि उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, समझ रहे हो, तो कौन कौन किस किस एज में चल रहा है, किस एज में, एज को भी हम कवर कर सकते हैं,
तो ये क्या है, ये डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे क्लासिफाइड करना, क्लासिफाइड, उसे क्लासिफाइड करने का मतलब हो गया उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो कि हम उसकी अगर आगे फोरकास्टिंग, उस इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर पाए, उसके ऊपर कोई पॉलिसी अप्लाई करना चाहे या फिर उसमें कोई प्रॉपर फॉर्म प्रेजेंट करना चाहे तो हमें ये पता चल जाए। आज आप कहते हो कि इंडिया के अंदर यंगस्टर 65% के लगभग है, किसके आधार पे बोल रहे हो, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे। आपने पहले डेटा को कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो डेटा पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है कलेक्ट करने के बाद में, फिर ये डाटा को कलेक्शन ऑफ डेटा, ये आप ऐसे बोलते हो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, ठीक है, फिर रॉ मटेरियल को क्या करना, क्लासिफाइड करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद में, उसके बाद इस डेटा को ऑर्गेनाइज या क्लासिफाइड डाटा जो होता है उस डेटा को आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं हम कि ये डेटा इस एंगल से है। फिर उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है, क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसमें एनालिसिस आप किसी एक रीजन के ऊपर करेंगे, एक कोई फैक्ट के ऊपर करेंगे, एजुकेशन के ऊपर एनालिसिस कर लिया, मैरिट कंडीशन के ऊपर एनालिसिस कर लिया, ठीक है, बेरोजगारी के ऊपर एनालिसिस कर लिया, यही तो हमें फिर डेटा निकल के आते हैं, यही तो हमें फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि आगे जाके हाँ इतने परसेंट तो बेरोजगार है, इतने परसेंट इस एज के हैं, इतने दिनों बाद में ये इतने बेरोजगार हो जाएंगे, इतने दिनों बाद में ये इस कंडीशन में चल जाएंगे। तो इसी के बेस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही हम क्या बता पा रहे हैं, किसी के भी एनालिसिस करके उसके रिजल्ट के बारे में पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं रिजल्ट तक। फिर हम क्या करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई आपने सुना है ना, डीआई, आप कभी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेडिकल इसकी आपकी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो उसमें मैथ में डीआई होता है, एक पॉपुलेशन इतनी थी, उसके 5 साल बाद में उसकी पॉपुलेशन इतनी हो गई, फिर उसने पाई चार्ट बना दिया, तो वो क्या है, वो चार्ट जो है वो डाटा दे रहा है, वो डेटा दे रहा है, ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस भी कर रहा है उसमें, वो एनालाइज करके 15% ये है, 20% ये है, फिर उनमें एक दूसरे से हम क्यूरीज रखते हैं कि इतना हो गया तो फिर क्या होगा, इतनी साल बाद में क्या होगा, इतनी साल बाद में कितने बड़े हो जाएंगे ये लोग, भाई जिसकी एज 10 साल है तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगी, तो 5 साल बाद में उसमें क्या 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 रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ये होता है डीआई का काम। फिर हम डाटा इंटरप्रिटेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्टअप होगा, हम सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, डेटा क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद में उन डेटाओं को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कैसे उसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्राफिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फिर हम बोले प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन की दोनों को हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन आपने पाई चार्ट बना दिया, उसमें आपने क्लासिफाई कर दिया, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे क्या, उसकी एनालिसिस की, एनालिसिस और हमें डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे और हमारे पास हमारे स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट मैं अब बात करूंगा, वो बात करूंगा किसकी, डेटा की। डेटा क्या है, डेटा एक तरीके का क्वांटिटेटिव फिगर है, क्या है, क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक मान है, ठीक है। अब देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कह रहा हूं कि ये जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, एक सेंसस की बात करी है ना, हमने क्या किया, ये काउंटिंग करने लगे कि क्या लिटरेसी है, लिटरेसी कितनी है, मेल फीमेल क्या है। अब हमने एग्रीकल्चर से पर्पज में बात करें तो एग्रीकल्चर के पर्पज में हमें क्या काम आता है, स्टैटिस्टिक्स का, हम फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में जो है आपको जो फील्ड मिला हुआ है उस फील्ड में आपको डेटा कलेक्ट करने होते हैं। आप जब भी वर्क करते हो, एमएससी का वर्क करोगे तो भी आपको यही पता चलता है, एमएससी पीएचडी में जाते हैं तो अपने को यही वर्क होता है कि आपको डेटा को कलेक्ट करना है। अब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्शन का पहला प्रोसेस जो है वो आपको कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, और कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो आपके पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, आप क्या पैरामीटर लेके चल रहे हो, रिसर्च किस पैरामीटर पे करने वाले हो। तो आप सबसे पहले ये जो डेटा लेके आओगे वो आप क्वांटिटेटिव लेके आते हो, लेके आते हो नहीं जाते, आप हमेशा संख्यात्मक मान लेके आते हो, जैसे हाइट लेके आए 75.5 सेंटीमीटर है ना, 60.5 सेंटीमीटर, 60.1 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक हाइट है, ये हाइट आपने एक पैरामीटर लिया और उस पैरामीटर का एक संख्यात्मक मान ले लिया, नहीं ले लिया।
तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव फिगर होते हैं और उस क्वांटिटेटिव फिगर को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा। और डेटा का पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब क्लासिफाइड कर देंगे उसे, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद में एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना। तो हम पहले कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करना है तो क्या कैसे करते हैं भाई, सिंपली मेथड, बहुत सिंपल सा मेथड होता है, और इन एक्सपेरिमेंट बाय सर्वेयर। जो आप सर्वे करने जा रहे हो, जो सर्वेयर जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपली फॉर्म में जाएगा। आपको हाइट मेजर करनी है, आप हाइट को मेजर ही करके ले आएंगे, उसके बाद में इसका एनालिसिस बाद में करेंगे, एनालिटिक कंडीशन पे जाएंगे ना, तब एनालिसिस करेंगे। अभी तो केवल कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो आप जाएंगे फील्ड में, जाएंगे उसको कलेक्शन करके ले आएंगे उसका डेटा भी, है ना। ये भी आपको कितने तरह के बताने, कितने टाइप्स में बांट देने पड़ते हैं हमें, दो टाइप्स में इसे डिवाइड कर दिया मैंने। कैसे कि जैसे ही आप फील्ड में गए, तो आप सर्वेयर हैं, आप गए कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वर, और किसके द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा आपको मेजरमेंट को कलेक्ट करना है, आपको डेटा कलेक्ट करके लाना है। वो जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं, सबसे पहले आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो। तो प्राइमरी डेटा क्या होगा, प्राइमरी डेटा वो डेटा होंगे जो आप सबसे पहले फील्ड में जाके कलेक्ट करके लाओगे, ठीक है। जब फील्ड विजिट में आप जो भी डेटा कलेक्ट करके लाओगे वो सब होते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। फिर बात करें क्या सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो डेटा आप प्राइमरी कलेक्ट करके लाए हो, जिस कॉपी में, जिस नोटबुक में आप लिख के लाए हो, जिस पॉइंट आउट करके लाए हो, जिसको उसे आप लाके अब आप उसे क्या करने वाले हो, उस डेटा को कंपाइल करने वाले हो। कैसे, आपने लिखा, आपने टैग लगा दिया था, पूरे फील्ड में लगा दिया था, एक 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 प्लांट के पास गए, उसकी हाइट मेजर कर ली, उसमें लीव की काउंटिंग मेजर कर ली, उसके पॉड्स आपने काउंटिंग कर लिए, ठीक है, आपने उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स को काउंटिंग कर लिए। तो आपने एक एक प्लांट, एक टैग नंबर वन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, फिर दूसरी लिख ली, फिर तीसरी लिख ली। अब उसके बाद में आप इसे कंपाइल करने वाले हो, कैसे कि एक दो तीन चार, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, मान लो 10 प्लांट्स के आपने ऑब्जर्वेशन लिया है, डेटा कलेक्ट किया, तो प्राइमरी डेटा थे। अब इनको कंपाइल कर रहे हो आप, कैसे, आपने देखा कि नंबर ऑफ फ्लोर्स है ना, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 इसमें आपको लिख दूंगा, 1 में कितने हैं, इतने, 2 में इतने, 3rd में इतने, 4 में इतने, 5 में इतना। तो ये जो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ इसे। ये कंपाइल करने के बाद में ये डेटा फिर हमारे पास, जैसे अब फ्लोर्स का एक डेटा आ जाएगा, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ फ्लोर्स का आ जाएगा, नंबर ऑफ लीव्स का आ जाएगा, फिर आपको उसका हाइट का आ जाएगा। तो ये आप जो डेटा ले रहे हैं, ये डेटा है ना, उनको कंपाइल करके आप क्या करते हो, सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट कर देते हो। किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपसे बोला जाए ए फील्ड ऑब्जर्वर कलेक्ट डेटा इज, या ए फील्ड ऑब्जर्वर कलेक्ट डेटा, उसके आगे लिख दिया कि विच ऑफ द विच डेटा इज कलेक्टेड बाई, विच डॉट डेटा इज कलेक्टेड बाय फील्ड ऑब्जर्वर, तो आप उसमें आपको ऑप्शन लिखेगा प्राइमरी सेकेंडरी या बोथ, तो आप हमेशा पॉइंट आउट करेंगे क्या, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करके लाता है वो, ठीक है। उसके बाद में कंपाइल किस डेटा को किया जाता है, प्राइमरी को किया जाता है, उसके बाद में जो मिलता है वो होता है क्या, सेकेंडरी डेटा। और इस सेकेंडरी डेटा में वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी का मतलब आप बहुत तरीके का आप डेटा कलेक्ट करते हो, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो पॉइंट, जैसे मैंने बोला 50.5, तो कहीं पे बोल गया 55.55, तो 50.5, 55, इनको आप क्या कर रहे हो, ये वेरिएबिलिटी आपको बहुत सारी दिखेगी, किसमें, डेटा के अंदर, ठीक है। फिर बात करें अपन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, आप क्या करने वाले हो, उस क्वांटिटेटिव में आप गए, जैसे आप फील्ड में गए, फील्ड में जाके आपने किसी चीज को काउंट कर लिया, है ना, जैसे हाइट है, आपने क्या कर लिया, हाइट है, उस हाइट को मेजर कर लिया, तो आपने क्या किया है, उसकी क्वालिटी थोड़ी चेक किया आपने, तो जो थी उसको चेक कर लिया, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी चेक कर लिया आपने, है ना। अब हाइट से क्या क्वालिटी मिलने वाली है, ज्यादा हाइट होगी, ज्यादा लीव गिन लिया आपने, लीव गिन ली तो क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी गिनी आपने। पर अगर आप सोचो ये लीव आगे जाके फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ाएगी, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम इतना भी, इतना साइंस एडवांस हो चुका है अभी,
आप मुझे एनालिसिस करके दे दो डेटा किसकी लीव के, तो मैं आपके प्रोडक्शन के अप्रोक्सीमेशन बता सकता हूँ कि वो कितना प्रोडक्शन देगा, समझ रहे हो। तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाती है, क्वालिटेटिव में चल जाती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, ये पूछे बताओ वीट वेट ऑफ सीड, वेट ऑफ सीड इज नोन एज फर्स्ट ऑप्शन क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा। तो आप क्या बोलने वाले होते हो उसे, क्वांटिटेटिव डेटा। हाइट ऑफ प्लांट क्वांटिटेटिव डेटा। नंबर ऑफ फ्लोर्स नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो ये भी क्या जाएंगे, ये भी आपकी क्वांटिटी में आ जाएंगे। क्वांटिटी आप काउंटिंग करके ला रहे हो, पर क्वालिटी क्या है कि आपने क्या किया है, एक फील्ड में दो तरह की वैरायटी लगा दी, तो एक के तो कुछ पैरामीटर अलग आ रहे हैं, दूसरे में अच्छे आ रहे हैं, तो आपने क्या देखा वैरायटी जो वो है वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा में आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो आप इनको याद रखेंगे, क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं, वेराइटीज होती है। फिर शेप ऑफ सीड, सीड की शेप कैसी है, ठीक है, शेप साइज कैसी है, ये सब क्या आ जाती है, उसकी क्वालिटी आ जाती है, साइज ऑफ सीड है ना। या फिर आपने जो सोयल यूज में ले रहे हो वो सोयल क्या है, वो सोयल की क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटेटिव डेटा में वेराइटी आ जाती है, शेप ऑफ सीड आ जाते हैं, साइज ऑफ सीड आ जाता है, या फिर सोयल टाइप आ जाता है, ये सब क्या आ जाते हैं, क्वालिटेटिव डेटा आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं डेटाओं के बाद में, इन डेटा के बाद में कौन सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या डेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम कैसे उसे किस किस बेस पे क्लासिफाई कर पाएंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ज्योग्राफी के बेस पे करा दूंगा नहीं, फिर क्रोनोलॉजिकल समय टाइम के आधार पे अपन क्या करेंगे, डेटा को क्लासिफाई कर देंगे, फिर नंबर के आधार पे हम डेटा को क्लासिफाई कर देंगे, कोई क्वालिटी मेजर को लेके और उससे उस डेटा को अपन क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। तो अगला इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले होंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या फिर डेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है, और उसको पढ़ने वाले होंगे हम अगली क्लास में। ये क्लास आपको सबको देखनी है, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि थोड़ा मैथ है, मैथ हर किसी स्टूडेंट को कवर नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको फिर से वही कंटिन्यू रखें अपनी क्लास को, इसे अच्छे से वीडियो को देखें, इन चीजों को याद रखने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत जल्दी ही इस पॉइंट को, आपके वो मीन मोड मीडियन को, कोफिशियंट को, रिलेशन वेरिएशन रेंज, जो जो अपने जो पॉइंट है ना, वो सब पॉइंट अपने आप कवर कर दूंगा। ये थोड़ा फास्ट ही चलेगा अपना ये टॉपिक, ठीक है, जल्दी कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपना वीडियो जरूर देखें, लाइक कर रहे हो आप, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें आप, जिससे मुझे ये आपको आपके कमेंट से मुझे ये कंफर्म होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी और क्या आपने मोटिवेशन मिला हुआ है, आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझे ऐसे कमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट करें, आपको वीकनेस लग रही है वीकनेस बताइए, क्यों, इम्प्रूवमेंट तो अच्छा ही है ना, आप मुझे जब भी कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट कि आप कमेंट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के अपडेट हैंड टू हैंड मिलती रहे, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।